दिन सैलाब देखा जा रहा है आपके साथ, क्या कहना चाहिए? मानसूर के जनता 10 सालों में शकुंतला जी रावत के कुशासन से बिल्कुल त्रस्त आ चुकी है। जिस तरह से उन्होंने इन 5 सालों में अपराध को, भ्रष्टाचार को, अत्याचार को, अन्याय को और झूठ को पराकाष्ठा पे पहुंचा दिया, उसके कारण से जनता कांग्रेस से परेशान है। शकुंतला जी रावत का प्रतिनिधित्व उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। 10 साल में वो हर मोर्चे पर विफल रही। मंत्री बनने के बाद एक भी बच्चे को रोजगार पे नहीं लगाया। जितनी यहाँ रहस्यमय हत्याएं हुई वो आज तक रहस्य बनी हुई हैं और उनमें उनकी मौन रहना एक उनके व्यक्तित्व पर और उनकी कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। अभी चौपाल जैसे शकुंतला जी कर रही हैं उन पर, वहां पर तो वो विकास गिना रही है अपना। देखिए, विकास कुछ विकास स्वाभाविक होते हैं, वो होते रहते हैं, लेकिन यहाँ उद्योग के लिए उन्होंने बोर्ड लगा रखे हैं, केवल बोर्ड लगे हैं, पेपर पे कोई काम नहीं हुआ और वो बिल्कुल झूठ के पुलिंदा है। काम हुआ केवल निम्न गुणवत्ता के सारे कार्य किए हैं, उनमें भ्रष्टाचार की भारी भू है और उनके शासन जाते समय उन्होंने नींव के ईंट के पत्थर लगाए हैं, कार्य नहीं किए। यदि जनता आपको समर्थन देती है तो आपका क्या मैनिफेस्टो रहेगा? मैं पूरा क्षेत्र मुझे अपना भाई परिवार बेटा परिजन समझता है। जिस तरह से एक परिवार को डेवलप करने के लिए कोई भी समझदार व्यक्ति प्रतिबद्ध रहता है और चहुंमुखी विकास करता है, हमारे यहाँ बांसुर में फिलहाल सुख शांति बड़ा मुद्दा है। यहाँ अपराध बेतहाशा बढ़ गया, व्यापारियों पर गोलियां चल रही हैं, हत्याएं हो रही हैं, अवैध हथियारों की भरमार है, भ्रष्टाचार की भरमार है, अवैध खनन हो रहा है। इन सब चीजों को रोककर सुख शांति, लोगों की जाने महफूज, महिलाओं की इज्जत महफूज और जितने अवैध हथियार जितने हैं इनके वे रोक लगाना हमारी प्राथमिकता होगी। हमारे बच्चे, ये बांसुर जो अब क्राइम कैपिटल बन गया है, इससे हटकर हम इसको एजुकेशन हब में और ऊंचे ले जाना चाहते हैं और आने वाले टाइम में ऑर्गेनिक खेती वगैरह ऐसे नवाचार करने का हम प्रयास करें।